मीडिया से बात करते हुए सलमान खान ने कैटरीना कैफ के लिए अचानक गा दिया यह गाना। इस समय लगभग पूरा बॉलीवुड आईफा अवार्ड 2017 का हिसाब बनने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा हुआ है। गुरुवार को यहां पहुंचे सितारों ने अपने फैंस से मुलाकात की और उसके बाद सितारे आईफा की शुरुआत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इस कॉन्फ्रेंस में यूं तो सभी एक से बढ़कर एक सितारे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी नजरें कैटरीना कैफ की तरफ थीं, जिनके लिए खुद सलमान खान ने हैप्पी बर्थडे गाना गाया। दरअसल 16 जुलाई को कैटरीना का जन्मदिन है और कैटरीना अपने बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में सलमान खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक बर्थडे सॉन्ग गाकर कैटरीना का सरप्राइज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय इंडियन फिल्म एकेडमी IIF है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद कपूर, आलिया भट्ट, अनुपम खेर, कृति सेनन, सुशांत सिंह राजपूत और वरुण धवन भी स्टेज पर मौजूद थे। सभी सितारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना अपना अनुभव साझा कर रहे थे। जैसे ही बोलने के लिए सलमान खान का नंबर आया तो उन्होंने अपने पास खड़े अनुपम खेर से आईफा की डेट्स के बारे में पूछा और मीडिया से कहा, मुझे तारीखें याद नहीं रहती, मुझे सिर्फ एक ही तारीख याद है और वे है कैटरीना का बर्थडे। सलमान ने कहा कि कैटरीना का जन्मदिन 16 जुलाई को है। यह कहते ही सलमान ने कैटरीना के लिए बर्थडे सॉन्ग गाया और उन्हें गले लगाया। चल रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में जब कैटरीना कैफ से पूछा गया कि 18 साल की उम्र में आपकी सबसे खूबसूरत याद कौन सी है, इस पर कैटरीना ने कहा, जब मैं सलमान खान से मिली, मीडिया ने जब सलमान खान से पूछना चाहा कि वह कैटरीना के बर्थडे पर क्या प्लान कर रहे हैं, तो कैटरीना ने कहा यह कोई नेशनल इवेंट नहीं है, लेकिन सलमान ने बीच में चुटकी लेते हुए कहा, इंडिया में तो छुट्टी है, अब अमेरिका में भी हो जाएगी। याद दिला दें कि यह पहला मौका नहीं है जब सलमान खान ने कैटरीना के बर्थडे को लेकर ऐसा कुछ किया है। पिछले दिनों आईफा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए सलमान ने कैटरीना को जन्मदिन को कैटरीना दिवस मनाने तक की बात कह दी थी। आईफा कार्यक्रम में प्रस्तुति दिए कैटरीना को लगभग 5 साल हो चुके हैं। इस साल यह 15 जुलाई को प्रतिष्ठित मिटालियम स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि जहां कैटरीना न्यूयॉर्क में आईफा में बिजी हैं, उनकी 3.5 साल से अटकी फिल्म जगा जासूस आज सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में कैटरीना और रणबीर कपूर की जोड़ी नजर आने वाली है।